हेलो गाइस, माय नेम इज़ दमन एंड आज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है हेज़लवुड। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो ये रोड 82 फीट वाइड रोड है जो कि एयरफोर्स स्टेशन के साथ कनेक्ट कर रहा है। उससे पहले ही लेफ़्ट साइड को टर्न करके एरो सिटी के साथ भी कनेक्ट कर रहा है जो एयरपोर्ट रोड है। और सेकंड इसकी जो कनेक्टिविटी है जो पटियाला रोड के साथ है, मीन्स ट्राई सिटी के साथ ये कनेक्टिविटी इसकी पूरी प्रॉपर मिल रही है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा 4 BHK। तो आइए चलते हैं। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो हमारे 2 फेसेस हैं। फर्स्ट फेस है जो ये हमारे सामने है, S+5 का हमारा ये कंसेप्ट था, टावर 1 to 5 जो हमने 2019 में डिलीवर कर दिए थे। 50 फैमिली यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं। आपके सामने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है जिसकी अगर हम बात करें तो 50 फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पर रह रही हैं। 5 हमारी डेली नीड्स की शॉप यहाँ पर बनी हुई हैं। ये हमारा सेंट्रलाइज पार्क बना हुआ है जिसके अंदर गजीबो, एम्पी थिएटर, रनिंग जॉगिंग ट्रैक और किड्स प्ले एरिया बना हुआ है। आइए हम आपको फ्लैट दिखाते हैं। और ये है हमारा सेकंड फेस जिसकी पोजेशन हम एक हमारे पास 3 टावर हैं रेडी टू मूव पड़े हैं और 3 टावर जो है हमारे 3 मार्च 2023 की पोजेशन में मिल जाएंगे। अगर कैटेगरीज़ की बात करें, मेरे पास 2 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, एक है 4 BHK और एक है 3 BHK। 4 BHK हमारा सिंगल फ्लैट ऑन सिंगल फ्लोर है, 3 साइड से ओपन हमारा फ्लैट है। 3 BHK मेरे पास जो है एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं और इसका जो साइज़ है 1675 है और 4 BHK का जो साइज़ है वो है 3350 स्क्वायर फीट एरिया। ये जो आप बैक साइड पे मेरे देख रहे हैं ये हमारा 4 BHK फ्लैट है, S+10 का हमारा कंसेप्ट है। नीचे आपको स्टिल्ट पार्किंग मिलेगी और ऊपर फर्स्ट फ्लोर से हमारे फ्लैट शुरू हो जाते हैं। फ्लैट का जो साइज़ है वो है 3350 3350। आइए हम फ्लैट की तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ माई 4 BHK सिंगल फ्लैट ऑन सिंगल फ्लोर विद डुअल एंट्री। ये है हमारी मेन एंट्रेंस और वो हमारी सेकेंडरी एंट्रेंस आ जाती है। एंटर करते ही ये हमारा जाता है ड्राइंग डाइनिंग एरिया जिसके साथ यहाँ पे आ जाती है हमारी फर्स्ट बालकनी। एरिया की अगर बात करें, ये जो सामने आप देख रहे हैं ब्लू कलर की डिमार्केशन की हुई है एयरपोर्ट ने, 82 फीट वाइड ये रोड हो जाएगी और उसके बाद आगे जाके ये एयरफोर्स स्टेशन पर बंद हो जाती है। उसे 500 मीटर पहले ही टर्न हो जाती है लेफ्ट साइड को जो आपकी एरो सिटी एयरपोर्ट रोड के साथ कनेक्ट कर जाएगी। दिस साइड ये हमारा आ जाता है किचन। किचन के साथ ही अगर हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमारी प्रोविज़न है एक पूजा रूम की। आप इस तरीके से कुछ इसको डिज़ाइन कर सकते हैं या अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाती है हमारी किचन जो कि 7x14 का साइज़ है, काफ़ी स्पेशियस किचन है हमारी। और किचन के अंदर हम चिमनी लगा के देंगे और ये हाइड्रोलिक सॉफ्ट क्लोजर चैनल्स हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। फुली मॉडुलर किचन रहेगी हमारी और इसी के साथ ये विंडोज़ आपको एज इट इज़ मिलेंगे UPVC विद टफन ग्लास, जिसका आपको फ़ायदा है कि अगर आपको एयर कनेक्टिविटी चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्राइंग डाइनिंग एरिया पे। अगर स्पेस की बात करोगे, 8 सीटिंग का हमारा यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, उसके बाद भी हमारे पास रनिंग स्पेस काफ़ी बच जाती है। स्पेस की अगेन अगर हम बात करें तो काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है हमारा। ड्राइंग एरिया आ जाता है, डाइनिंग एरिया आ जाता है, उसी के साथ ही हमारा फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए लिविंग स्पेस भी है। लिविंग स्पेस के बाद ये आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम। ये हमारा कंसेप्ट है वो 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है जिसके अंदर हम स्टोर रूम पाउडर रूम बना रहे हैं। एज इट इज़ हम यहाँ पर वार्डरोब्स बना के देंगे स्लाइडर। उसके बाद अगर हम बात करें बालकनीज़ की, एक हमारी बालकनीज़ है उस साइड जो मास्टर बेडरूम के साथ और लिविंग के साथ कनेक्टेड रहेगी और एक बालकनी हमारी ये आ जाती है यूटिलिटी बालकनी जहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा। अब हम लेके चलते हैं आपको रूम की तरफ। दिस इज़ आवर फर्स्ट बेडरूम जिसके अंदर हम स्लाइडर वार्डरोब्स बना के देंगे और वॉशरूम इसके साथ अटैच रहेगा जिसके अंदर हम फुल लेंथ टाइल्स, जैगुआर की फिटिंग और वैनिटी लगा के देंगे। रूम का जो साइज़ रहेगा वो है 12x16 और ये इसके साथ अटैच बालकनी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
उसके बाद हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। देन उसके बाद दिया जाता है हमारा मास्टर बेडरूम, जिसका वॉल टू वॉल साइज़ जो है वो रहेगा 12x15 का। और इसके साथ ही हम अटैच ड्रेसिंग भी बना के दे रहे हैं, उसके साथ अटैच वॉशरूम और ड्रेसिंग हमारी इस साइड आ जाएगी। और देन उसके बाद ये आ जाएगी हमारी बालकनी, ये हमारी थर्ड बालकनी है। यहाँ से आप अगर देखोगे तो आपको पार्क फेसिंग का व्यू भी मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारा आप देख रहे हो प्रोविजन चल रही है हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, RCC की हम यहाँ पे स्लैब डाल रहे हैं। पूरा ये पोडियम गार्डन बन जाएगा इस टावर से लेके एंड तक, और जिसकी एक्सेस रहेगी बाय स्टेयर्स यहाँ से पार्क से मिल जाएगी आपको। इसी के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारा सामने आ जाएगा 4BHK। पोडियम गार्डन के बाद हमारा 3500 स्क्वायर फीट के बीच में आ जाएगा क्लब हाउस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही। उसके अंदर हमारी जिम, इंडोर गेम, स्पा, सुहाना, मेडिटेशन रूम सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। मास्टर बेडरूम के बाद हमारा जाता है थर्ड बेडरूम, जिसके अंदर ऐसी कुछ आपको विंडोज एज इट इज़ मिल जाएंगी। इसको भी आप एज मास्टर बेडरूम यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका साइज़ भी 18x11 का है। यहाँ पे आ जाती है इसकी अटैच बालकनी, एल शेप के अंदर रनिंग बालकनी आ जाएगी। यहाँ से आपको पूरी सोसाइटी का व्यू, हाईवे का व्यू और पार्क का व्यू मिल जाएगा। पार्क के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था किड्स प्ले एरिया, रनिंग जॉगिंग ट्रैक, गजीबो, एम्पी थिएटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और इस बेडरूम का जो वॉशरूम है वो इस साइड आ जाएगा। और यहाँ पे इसके स्लाइडर वार्डरोब्स अगेन ये जो हम प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं कुछ इस तरह के आपके स्लाइडर वार्डरोब्स आ जाएंगे। और ये आ जाएगा इसका वॉशरूम फुल लेंथ, इसके अंदर हम टाइल्स लगा के देंगे। नीचे फ्लोर की टाइल्स जो रहेगी एंटीज की टाइल रहेगी, जैगुआर की सारी फिटिंग रहेगी और वैनिटी हम यहाँ पर लगा के देंगे। देन उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट बेडरूम, ये आ जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम। ये जो हमने डिज़ाइन किया है इसको हमने एज ऑफिस स्पेस डिज़ाइन किया है, बट आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे सर्वेंट रूम बना सकते हो या फिर इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हो। इसकी भी अटैच बालकनी रहेगी और जो हमने बाहर से सेकेंडरी एंट्रेंस देखी थी वो एंट्रेंस इस साइड पे ओपन होती है, मतलब ये आपका एक सेकेंडरी एंट्रेंस वाला रूम भी बन सकता है। प्राइवेसी कंसर्न की अगर आप बात करोगे तो हमने इसकी जो डिज़ाइनिंग की है फ्लैट की वो कुछ इस तरह से की है, अगर आपका कोई भी गेस्ट ड्राइंग या डाइनिंग एरिया में बैठा होगा तो किसी भी रूम की एक्टिविटी उसको नज़र नहीं आएगी। और ये हमारा फ्लैट जो है वो 3 साइड से ओपन फ्लैट है, ट्राइसिटी का वन ऑफ बिगेस्ट फ्लैट रहेगा। और इसके बाद इंडिपेंडेंट फ्लोर हम इसको बेच रहे हैं, जैकि अगर आप देखो तो इस फ्लोर के ऊपर आपके अलावा और कोई नहीं एंटर करेगा। तो अगर आप बिग साइज़ स्पेशियस फ्लैट देख रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू।